नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबरें विस्तार से। बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में हर जाति के वर्ग के लोग टिकट मांगते हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है कि वो ज्यादा से ज्यादा टिकट महिलाओं को दिलाए। दरअसल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बिलासपुर प्रवास के दौरान कहा था कि वे यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 40% महिलाओं को टिकट दिलाने की मांग करेंगी। इसके अलावा मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम की तारीफ की। वहीं रतनपुर में रेप पीड़िता की मांग के किए गए काउंटर रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस की विवेचना में कमी पाई गई, तभी TI को लाइन अटेस्ट किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग भी टिकट मांगते हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी कुछ सामाजिक लोगों ने बोला, भाई हमको कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टी से 5 टिकट चाहिए। तो अपना अपना मांगने का अधिकार है। फूलो देवी नेता महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, तो उसका दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिलाए, और कोशिश करना चाहिए उसको। देखिए, भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी जहाँ भी गए हैं, वहाँ लोगों से, जनता से सीधा संवाद किया उन्होंने, और जो भी समस्या आई उसका त्वरित निराकरण करते हुए उनका समाधान भी किया, और बहुत सी घोषणाएं भी की। आप देखेंगे हर विधानसभा में कई कॉलेज, कई स्कूल, तो अलग अलग प्रकार से जो जो डिमांड लोगों की आई, डिमांड से कहीं ज्यादा घोषणाएं उन्होंने की। देखिए, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग भी टिकट मांगते हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाते